दोस्तों, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उसमें से आईएएस की परीक्षा देनी है, तो आइए जानते हैं उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम और कौन कौन सा होता है। सबसे पहले प्री होता है, जिसे प्रारंभिक परीक्षा में इंटरव्यू होता है। पहले प्री में हमें दो पेपर देने होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में हमें जीएस पढ़ना होता है, जो 100 क्वेश्चन होते हैं और वो 200 नंबर के होते हैं और 2 घंटे के होते हैं। इनमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। और सी सेट जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे का ये पेपर होता है। 33% ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें भी माइनस मार्किंग होती है। मेंस पे प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको मेंस देना होता है। मेंस में आपको क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग पेपर होता है। फिर उसके बाद क्या, क्वालिफाइंग पेपर में जैसे हिंदी या कोई भाषा हो जो 8वीं अनुसूची में संविधान में शामिल हो, इसमें 25% लाना है और 300 नंबर का होता है। ये 3 घंटे का होता है, हमें इससे रिटर्न होता है। इसी तरह हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो सेम इसी प्रोसेस पे रहती है। उसके बाद हमें मेरिट लिस्ट में शामिल कौन कौन से जीएस पढ़नी होती है, जिसमें जीएस में पेपर फर्स्ट हमारा निबंध होगा, पेपर सेकंड जिसे सामान्य अध्ययन, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये 250 नंबर के पेपर होते हैं और समय इसके 3 घंटे होते हैं। इसी तरह पेपर फोर में क्या होता है, पेपर फोर में हमें एथिक्स पढ़ना होता है, जो 250 नंबर के होते हैं और 3 घंटे का ये पेपर होता है। फिर पेपर सिक्स में हमें क्या पढ़ना है, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में जैसे आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज का ले सकते हैं, जैसे कि हिंदी है, हिस्ट्री है, जीएस में ले सकते हैं, जो जो आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से ऑप्शनल ले सकते हैं, जिसके 2 पेपर होते हैं। इसके बाद पेपर सेकंड जिसे जीएस फर्स्ट, इसमें हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री और भूगोल और समाज, ये इसके आते हैं क्वेश्चंस। इसमें 250 नंबर के होते हैं, 250 नंबर के अंक होंगे और समय 3 घंटे का होता है। फिर पेपर फोर जिसे हमें साइंस, टेक, आर्थिक विकास, जैविकता, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, डिजास्टर, ये सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। फिर पेपर सिक्स में हमें क्या पढ़ना होता है, वैकल्पिक विषय, जिसमें प्रश्नपत्र फर्स्ट और ये प्रश्नपत्र सेकंड था। इसमें ऑप्शनल में जैसे आप ले सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, आप जीएस में देख सकते हैं क्या क्या आपको पसंद है, आप उसके हिसाब से जिसमें आपकी रुचि आप उस चीज़ को ले सकते हैं। इसके क्वालिफाई होने के बाद ही आपको मेरिट लिस्ट में अगर आप बनते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आप इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, उसमें आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आप एक आईएएस बनके तैयार होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।